हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिनमें से आप जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है और इस वीडियोस में हम लोग एथिकल हैकिंग के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। तो इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे कैसे आप एक सिस्टम के ऊपर पेन ड्राइव को ब्लॉक कर सकते हो। नॉर्मली किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पे आप ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी यूएसबी जो पोर्ट है यानी यूएसबी स्टोरेज जो है वो ब्लॉक करी होती है। नॉर्मली अगर हम लोग इस कंप्यूटर की बात करें जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कोई भी एक पेन ड्राइव जो यूज़र लगाता है और पेन ड्राइव के अंदर वो लाइक यहाँ से कुछ भी डाटा कॉपी करना चाहे, लाइक इसी फोल्डर को कॉपी करना चाहे, वो कॉपी कर सकता है। ये देखिए कॉपी हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में से कोई भी जो यूएसबी ड्राइव है वो ब्लॉक हो जाए, वो कोई भी ड्राइव जो है वो मेरे सिस्टम पे अटैच ना हो पाए। तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। तो आप लोग क्या करोगे, रन में जाओगे और रन में जाकर के यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है, दैट इज़ जीपी एडिट डॉट एम एस सी, और इसमें आप चले जाओगे। जीपी एडिट डॉट एम एस सी के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर आपको आगे ऑप्शन नजर आएगी, दैट इज सिस्टम। सिस्टम के अंदर आपको जाना है और सिस्टम के अंदर आप जब जाओगे यहाँ पे आपको रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपके पास कई तरह के ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें से आप सीडी रोम को या फिर फ्लॉपी ड्राइव को या रिमूवेबल ड्राइव को या फिर टेप ड्राइव को, जिसको भी आप ब्लॉक करना चाहो, जिसमें से आपको रिमूवेबल जो ड्राइव है आपकी वो इस ऑप्शन को इनेबल करना है, जिससे क्या होगा आपकी ये डिनाई एक्सेस हो जाएगा। रीड एक्सेस आप डिनाई कर सकते हो और राइट एक्सेस डिनाई कर सकते हो। तो इनमें से जो भी चीज़ आप करना चाहो वो चीज़ यहाँ से पॉसिबल है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से कोई भी स्टोरेज, लाइक आप कोई भी स्टोरेज ब्लॉक करना चाहते हो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। तो यहाँ से हमारी स्टोरेज भी हमने मतलब जो है वो ब्लॉक कर दी है। तो यहाँ से इन ऑप्शंस के थ्रू आप लोग अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह की पेन ड्राइव को या फिर यूएसबी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हो। देखिए इस चीज़ को अप्लाई होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको क्या करना है, सिस्टम के ऊपर जीपी अपडेट की कमांड अप्लाई कर दीजिए या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डॉस के अंदर जाइए और यहाँ पे कमांड टाइप करिए जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। ये कमांड आपको टाइप करनी है जिससे आपकी ग्रुप पॉलिसी अपडेट अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग एक बार अगर सिस्टम को रीस्टार्ट या लॉग ऑफ लॉग इन कर देते हो तब तो श्योर ही है कि आपका ये सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा सिस्टम जो है वो एक बार लॉग ऑफ होकर के लॉग इन हो चुका है। अभी अगर आप लोग चेक करना चाहो तो मैंने यहाँ पे एक 8 GB की एक पेन ड्राइव प्लग की है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एक्सेस इज डिनाइड। तो यहाँ पे ये ड्राइव आपकी जो है वो ओपन नहीं हो पाएगी। इसमें अगर आप कोई भी लाइक कुछ भी इसमें फोल्डर पेस्ट करना चाहो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या आप इसको मतलब आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। और इसको वापस अलाउ करने के लिए फिर से आपको ग्रुप पॉलिसी में जाना होगा और ग्रुप पॉलिसी में जाकर के आपको फिर से वही सारे स्टेप्स जो मैंने आपको करे थे उसको रीसेट करना होगा पहले की तरह। तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपके सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह के पेन ड्राइव को या स्टोरेज को यूएसबी को ब्लॉक करने के लिए। तो ऐसी कई यूजफुल वीडियोज़ मैंने अपने इस ब्लॉग के ऊपर जिसका नाम है youtube.com/msdilbarkhan इस ब्लॉग के ऊपर मैंने अपलोड करी हैं, जिनको आप लोग स्टडी कर सकते हो, जिसमें आपको हैकिंग, एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्किंग के रिलेटेड, सीसीएनए के रिलेटेड आपको कई तरह की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।